अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं बाबर की दुनिया, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि बाइक के रोड टेस्ट को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको मुकम्मल ट्यूटोरियल दूंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकर चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैंने आपको गूगल मैप, गूगल अर्थ की मदद से थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। अभी तक यूट्यूब पर शायद इस तरीके से किसी ने ना समझाया हो, मैंने इस तरीक़ों को अपना कर आपको समझाने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। ओके दोस्तों, तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है गूगल अर्थ को, ताकि मैं आपको इस अर्थ मैप की मदद से कुछ बताता चलूँ। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये है आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। जब आपको टेस्ट के लिए लेकर जाया जाएगा बाइक के रोड टेस्ट के लिए, तो आपको स्कूल टीचर जो है यहाँ पर ला कर आपको खड़ा करेंगे। यहाँ से आपका टेस्ट शुरू होगा और यहीं पर आकर आपका ये टेस्ट ख़त्म होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा रोड तो ऊपर से दिखा रहा हूँ, अभी मैं सड़क ओपन कर लेता हूँ ताकि आप इजीली उसको फॉलो कर सके। तो मैं चला जाता हूँ रोड पर, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, अभी मैं फ़िलहाल वहाँ तक नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आपने बाइक यहाँ से लेकर, ये जो एरो वापसी का एरो है, यहाँ से आपने लेकर निकलना है। और यहाँ पर आपको ये वाइट लाइन नज़र आ रही है और ये स्टॉप का साइन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना होता है, आपने चाहे कोई गाड़ी इस साइड से आ रही हो या ना आ रही हो, आपने क्या करना है, यहाँ पर स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद आपने पाँव नीचे लगाना है अपना लेफ्ट साइड। यहाँ पर स्टॉप मस्ट है, चाहे गाड़ी आ रही हो या नहीं आ रही हो, बिल्कुल खाली रोड भी क्यों ना हो, आपने यहाँ पर रुकना ज़रूर है। और अगर आपको इस साइड पर यानी कि इस साइड पर कोई गाड़ी नज़र ना आए, तो आपने बस मूव कर जाना इस तरफ को। लेकिन अगर आपको कोई गाड़ी नज़र आ रही है और वो स्पीड ब्रेकर से पीछे है, तो भी आप निकल सकते हैं। अगर स्पीड ब्रेकर के ऊपर आ गई है, तकरीबन करीब आ गई है, तो आप यहाँ पर रुककर उसका वेट करेंगे, उसको गुजरने देंगे। फिर अब आपने क्या करना है, जब आप यहाँ से निकल जाएंगे, तो अब आपको इसी साथ में आपको रूट भी याद करना होगा। मैंने अभी थोड़ा सा इसको फॉलो किया है। ये जो आपको मैप में दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन 4-5 साल पुराना है। थोड़ी सी बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पर बन चुकी हैं, लेकिन अभी ये जो सड़क की आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है। और अभी यहाँ से आपने निकलना है। और ये जो रोड है, ये है आई थिंक 40 से 45 का रोड, इससे कम नहीं करनी। 40-45 से आप स्पीड कम नहीं करनी, और 40-45 से स्पीड आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस आपने एक ही फ्लो में चलते जाना है। गियर आपका दूसरे से तीसरा, 3 गियर तक यहाँ पर आपके लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और सॉरी, यहाँ पर जब आना है आपने इससे पीछे पीछे, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जब आप वहाँ से आ रहे होंगे, वहाँ से आ रहे होंगे, तो आपको ये लेफ़्ट साइड पर जब सड़क नज़र आएगी, तो आपने लेफ़्ट चेक करना है, हेड चेक। हेड चेक का मतलब है आपने लेफ़्ट साइड पर लाजम देखना है। लेकिन आपकी बाइक की स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखकर आपकी सर सीधा हो जाना चाहिए। अब ये जैसे ये राउंड आना स्टार्ट हो, तो आपने राइट इंडिकेटर लगा देना है। यहाँ पर राइट इंडिकेटर लगा कर आपने बग़ैर ब्रेक दबाए हल्की स्पीड पर थोड़ा सा बाइक को टिल्ट करते हुए इस तरफ को मोड़ काटना है। और मोड़ काटते हुए आपने जब, जैसे आपका मोड़ कट जाए, तो फिर आपने अपना इंडिकेटर बंद कर देना है और ये रोड आपने सीधे चलते जाना है। फिर यहाँ पर आपके राइट साइड पर सड़क आएगी, आपने एक राइट हेड चेक करना है और चलते जाना है। जहाँ जहाँ पर भी आपको सड़क नज़र आएगी, वहाँ वहाँ पर आपने चेक करते चले जाना है। यहाँ पर आपने स्पीड स्लो करना है और सड़क सॉरी जो स्पीड ब्रेकर है वो आपने क्रॉस कर देना है। यहाँ पर भी जो आपकी सड़क आ रही है, यहाँ पर भी आपने एक लेफ्ट चेक, और यहाँ पर आकर राइट हेड चेक आपने करना है ये सड़क के ऊपर, ठीक है। सॉरी, मैं इस साइड पर आ गया हूँ। ठीक है, अभी मैं इसी साइड पे हूँ, हमने राइट साइड पे चलना है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर भी आपने राइट हेड चेक लाजमी करना है और आपने चलते जाना है। यहाँ पर भी राइट, यहाँ पे जो ये बस जहाँ को टर्न करने लगी है, इधर भी आपने राइट हैंड चेक करना और सीधे चलते चले जाना है। और यहाँ पर आने से पहले आपने राइट इंडिकेटर लगाना है और आपने मोड़ काट लेना है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने मोड़ काट लेना है। आपको मैं थोड़ा सा ऊपर से भी व्यू दिखा लेता हूँ।
ये देखें, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा, मैं अब दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम कहाँ से निकले हैं। हम निकले हैं अपना इधर से, यहाँ से निकले हैं, इस पॉइंट से निकले हैं। ये आपने ये रोड को क्रॉस किया, पहला टर्न लिया, ये रास्ता आपको याद होना चाहिए। ये रास्ता अगर भूल जाएंगे आप कैंसिल हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। यहाँ से हमने फिर दोबारा, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, हम यहाँ से आगे चलेंगे मज़ीद। ओके, तो यहाँ पे हमने सीधा इसके आगे चलते चले जाना है। अगर तो कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो आपने वहाँ पर ब्रेक लाजमी लगानी है, ब्रेक लगाने के बाद आपने आगे जाना है। अगर आपके लेफ्ट साइड पर सड़क आ रही है तो आपने लेफ्ट हैंड चेक करना है, जैसे ही आपके सामने लेफ्ट साइड पे सड़क आ रही है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ से मुड़ना है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपको येलो लाइन नज़र आ रही है, ये थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये आपको येलो लाइन नजर आ रही है। जब आप इस येलो लाइन के पास पहुंचेंगे, इधर आपकी गाड़ी होगी इस जगह पर, जैसे ही आप गाड़ी लेकर आएंगे तो आपने क्या करना है, लेफ्ट इंडिकेटर लगाना है, और जहां से ये लाइट लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ पे आपने बाइक को बिल्कुल आप मिड में नहीं रखना। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, पीछे जहाँ से चलते आ रहे हैं आपने गाड़ी को, बाइक को, बाइक को आपकी रोड की बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, ना राइट साइड पे हो ना लेफ्ट साइड पे हो, रोड के सेंटर में होनी चाहिए। और जब आपने मोड़ काटना है, अब यहाँ पे आपने सड़क क्रॉस करनी है, टर्न लेना है, तो आपने इस लाइन के करीब आ जाना है। ये लाइन, येलो लाइन जब स्टार्ट हो तो आपने क्या करना है, लाइन के करीब आ जाना, लेफ्ट लाइन, लेफ्ट इशारा लगा के, और इतना भी करीब नहीं आ जाना कि अगर आपका पांव नीचे लगे तो इस लाइन के ऊपर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा वक्फा देना है, तकरीबन यहां पे करके आपने आना है, और इतना वक्फा हो कि अगर आपका पांव नीचे लगे तो उसमें भी थोड़ा सा वक्फा हो लाइन और आपके पांव के दरमियान। सो बहुत ज्यादा करीब नहीं करना। इसकी वजह क्या है कि अगर आपको यहां पर रुकना पड़ता है तो पीछे वाली गाड़ी या पीछे वाली ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। अब होगा क्या, जब आप इधर आएंगे इस पॉइंट पे, तो आपने देखना है कि यहाँ से ये जो स्पीड ब्रेकर है, यहाँ से गाड़ी ने क्रॉस तो नहीं किया। अगर स्पीड ब्रेकर या इसके करीब आ गई या गाड़ी, तो आपने यहाँ पर ब्रेक लगाकर रुक जाना है, उस गाड़ी को जाने देना है, या तो वो गाड़ी सीधा जाएगी या वो लेफ्ट को टर्न करेगी। अगर तो वो लेफ्ट को टर्न करेगी तब भी ठीक है, तब आपने जैसे वो टर्न कर ले तो आपने निकल जाना, या वो इस रोड को क्रॉस कर जाए तब आपने यहाँ से टर्न लेना है। और टर्न आपने इस येलो लाइन के ऊपर से नहीं लेना, ये जो आपको खाली जगह नजर आ रही है यहां से आपने टर्न लेना है और इस रोड पर आना है, और फिर आपने लेफ्ट का इंडिकेटर लगाना है। यहां पर आके आपने लेफ्ट का इंडिकेटर बंद कर देना है, और फिर उसके बाद यहां पर आके आपने राइट का इंडिकेटर लगा देना है। राइट का इंडिकेटर लगाने के बाद यहां पे आपको सड़क के ऊपर ये नीचे नजर आ रही होगी, यहां से हम आ रहे हैं यहां से, ठीक है ना, तो ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा गिव अवे लाइन, यहाँ पे बोर्ड भी लगा होगा, ये पुराना है तो आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे गिव अवे का बोर्ड भी लगा होगा, और जो येलो डॉटेड लाइन होती है, डैश लाइन जिसके अंदर कट होते हैं, इसका मतलब गिव अवे लाइन, इसका मतलब ये होता है कि आपने लेफ्ट चेक करना है, अगर तो गाड़ी आ रही है तो आपने रुक जाना है, अगर गाड़ी नहीं आ रही तो आप रुके बगैर यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर रुकना लाजमी नहीं है, अगर आप यहाँ पर बिला वजह रुकेंगे तब भी आप फेल हैं। आपने राइट इंडिकेटर लगाना है, एक सेकेंड के लिए लेफ्ट चेक करना है, अगर गाड़ी आ रही है तो यहीं पर ब्रेक लगा लेनी है लाइन से पीछे पीछे, अगर गाड़ी नहीं आ रही तो आपने रुकना नहीं है, हल्की स्पीड पे आप यहां पर आए थे, आपने लेफ्ट चेक किया, गाड़ी नहीं आ रही तो आपने निकल जाना है। अब जैसे ही आप यहां से निकलेंगे, हमने फिर वो 40-45 की स्पीड रखनी है, और ये रोड के बिल्कुल सेंटर, अपनी लाइन में आपने लाइन के बिल्कुल सेंटर में चलना है, ना राइट साइड पर ना लेफ्ट साइड पर, ओके, बिल्कुल रोड के सेंटर में चलना है आपने। और अगर कोई गाड़ी आपसे आगे है और वो स्लो जा रही है तो आपने उसको ओवरटेक नहीं करना, आपने उसके पीछे ही रहना है, ठीक है, ये सेम आपने चलते जाना है, चलते जाना है। अब यहाँ पर आकर हमने यहाँ से आगे है दवर, दवर मतलब राउंड अबाउट, हमने उधर से लेफ्ट होना है, तो हमने क्या करना है, इधर आके लेफ्ट इंडिकेटर लगा देना, और ये येलो लाइन से पहले हमने बाइक को थोड़ा सा लेफ्ट लाइन के करीब ले आना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल येलो लाइन के ऊपर चढ़ा देना है, आपने इस लाइन के करीब ले आना है, वही चीज़ जो पहले बताई है कि इतना भी करीब नहीं ले आना कि आप जब रुकें तो आपका बूट या आपके जूते या आपका पाँव इस येलो लाइन के ऊपर आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो है थोड़ा सा वक्फा रखना है, लेकिन आपने इस लाइन के करीब आया ना बिल्कुल सेंटर में नहीं चलानी, लेफ्ट आपका इंडिकेटर लगा होना चाहिए, और यहाँ पे लेफ्ट हेड चेक भी लाजमी है।
आपने इधर आते लेफ्ट हेड चेक भी करना है और दूसरा आपने क्या करना है, मिरर भी देखना है, साथ ही आपने बाइक को पीछे थोड़ा सा लाइन, ये आपकी बेसिकली लाइन चेंज हो रही है, तो लाइन चेंज का सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। ये मैं इस साइड पर जा रहा हूँ लेकिन हमने इस साइड पर नहीं आना, हम इस रोड पर होंगे, ठीक है ना, ये येलो लाइन से। मैं एक मिनट यहाँ पर इसको दोबारा से इसको ओपन करता हूँ। हमने इस रोड पर जाना है, ठीक है ना, जब हम लाइट चेक करेंगे तो इस रोड पर होंगे। मैं इसको 3D व्यू सॉरी दोबारा करता हूँ। हाँ, बेसिकली इन्होंने ना इसके लिए लाइन ही नहीं बनाई, सो इस वजह से जो है वो इस रोड के ऊपर हमें अलाउ ही नहीं करा जाने के लिए। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या करना है, हमने इस लाइन पर चलना है, इसके ये जो सात वाली लाइन है हमने इधर जाना है, ठीक है। तो अब ये हमने आगे जाना है, अब ये हमने क्या करना है, यहाँ पर भी अगर आप देखें राउंड अबाउट में तो यहाँ पर आपकी बाइक खड़ी होगी, ये आपका गिव अवे लाइन है। फिर से गिव अवे लाइन का क्या मतलब है कि अगर तो आपने यहाँ पर आकर देखना लेफ्ट साइड पर कोई गाड़ी आ रही है, अगर तो वो आपकी गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है और वो तकरीबन यहाँ तक आ गई है और आपको आपने यहाँ पर रुके रहना है। अगर यहाँ पर गाड़ी नहीं है, यानी कि ये जो लाइन है ना, ये वाला जो एरिया है, इस रोड को क्रॉस नहीं की हुई लाइन गाड़ी ने, तो आपने यहाँ पर नहीं रुकना, आपने निकल जाना है। लेकिन अगर वो लाइन या इतना एरिया क्रॉस कर चुकी है तो आपने यहाँ पर रुक जाना है, लाइन से पहले पहले आपने यहाँ से निकलना है, यहाँ पर आके रुक जाना है और आपने इस लाइन में रहना है, इस लाइन में नहीं रहना, क्योंकि हमने यहाँ से मोड़ काटना है लेफ्ट की इस तरफ जाना है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि वो गाड़ी इधर से आ तो नहीं रही, अगर नहीं आ रही तो आपने बगैर रुके यहाँ से निकल जाना है। फिर आपने ये गोल चक्कर का टर्न लेना है, ठीक है, यहाँ से टर्न लेते लेते ये सारी जगह पर आपकी 25 के से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए और आपका इस लाइन अंदर रहना चाहिए, ये वाली लाइन में, इस लाइन में नहीं आपने जाना, इस लाइन में रहना और इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में, और यहां पर आकर आपने और एक और चीज, यहां पर जब हैं आप तो आपका लेफ्ट इंडिकेटर चलता रहना चाहिए। जब आप यहां पर पहुंचे तो आपका लेफ्ट इंडिकेटर अभी भी चल रहा होना चाहिए और आपने राइट हैंड चेक करना है। फिर आगे गए तो यहां पर आकर भी आपका लेफ्ट इंडिकेटर नहीं बंद करना और यहां पर आकर भी आपने राइट हैंड चेक करना है। जैसे ही आप राइट हैंड चेक करेंगे साथ ही आपने राइट इंडिकेटर भी लगा देना है, ठीक है, बल्कि इससे थोड़ा सा पीछे ही आपने राइट इंडिकेटर भी लगा देना है क्योंकि हमने अब उस साइड को जाना है। तो जैसे ही आप इस रोड को क्रॉस करेंगे तो ये आपको ये नजर आ रहे होंगे एरो, आपने इस लाइन में एंटर नहीं होना, इस वाली लाइन में नहीं एंटर होना, क्योंकि आप आ रहे हैं पीछे से इस लाइन में आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहां से इस लाइन में आपने एंटर होना है, ये वाली सात वाली लाइन में, ठीक है, ये सात वाली लाइन में, इस लाइन में आपने एंटर नहीं करना। ये वाली लाइन में आप एंटर करेंगे, ये आपको पहला एरो जो नजर आएगा 20-25 के भी आपकी स्पीड है, तो आपने इस एरो पे आके राइट चेक करना है, उसी वक्त बाहर नहीं निकाल देना। अगर पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही तो आपने इस एरो पे जाकर स्पीड तेज करके पीछे शीशा देखते हुए निकल जाना है, और अगर पीछे गाड़ी आ रही है तो आपने इस एरो पे आके हल्की स्पीड कर लेनी है, अगर रुकना पड़े तो रुक भी जाना है, और फिर जब गाड़ी निकल जाए तो फिर आपने चलानी है गाड़ी। अगर गाड़ी नहीं आ रही तो आपने यहाँ से स्पीड हल्की है, यहाँ पर आके तेज करके मिरर को देखते हुए ये रोड आपने निकल जाना है, ठीक है, गाड़ी को पीछे से ध्यान रखना है, यहाँ पर आके आपने अपना इशारा वगैरह भी बंद कर देना और ये स्पीड और ये चलते जाना। ये 40-45 का ही रोड है अभी तक, ये जो पीछे से हम चलते हैं ना, ये रोड भी आपको सड़क भी याद रखनी पड़ेगी। पहले दिन तो मुझसे खुद नहीं याद हुई, तीसरे दिन में मुझे जाके ये सड़क याद हो गई थी और इजीली मैं अब जो है वो जा सकता हूँ। अब यहाँ पे सीधा जाते जाना है और यहाँ पर आके आपके ये लेफ्ट सड़क आएगी, यहाँ पे आपने लेफ्ट चेक करना है। लेफ्ट चेक करने के बाद साथ ही आपके ये जो आएगा आपने राइट का इशारा लगाना है, यहाँ से आपने टर्न लेना है। यहाँ पे बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, ये 2-3-4 साल पुराना मेरे ख्याल से मैप है तो यहाँ पे इसलिए नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, आपने यहाँ से बाहर को निकल जाना है। सेम वैसे ही हल्की स्पीड काटते हुए मोड़ काटना हल्का सा और यहाँ से आपने बाहर निकल जाना है। यहाँ पर आकर भी आपने ये गाड़ी निकलने का रास्ता, यहाँ पर भी आपने लेफ्ट राइट चेक करना है, हेड चेक करना है और चलते जाना है। आप यहाँ पर चलते जाएंगे आगे जाके, यहाँ पर अभी बिल्डिंग्स नहीं है, यहाँ पर भी बिल्डिंग्स बन चुकी हुई हैं अब, और इधर भी एक गली बनी हुई है, सड़क बनी हुई है, वहाँ पर भी आपने लेफ्ट हेड चेक लाजमी करना है। इशारा आपका कोई नहीं लगा होना चाहिए, यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर आकर
ये 60 का रोड जो बड़ा रोड है ये चल पड़ा। अभी ये बीच में मिड बना हुआ है, ये अभी आपको बड़ा रोड नहीं नजर आ रहा क्योंकि ये पुराना मैप है। सो ये बड़ा रोड है सो 60 का, और यहाँ पर देखें ये स्टॉप की लाइन है, यहाँ पर आपने लाजमी रुकना है। ये नहीं है कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, दोनों सूरतों में आपने यहाँ पर रुकना है। रुककर आपने देखना है अगर आपके यहाँ पर गाड़ी आ रही है, जैसे अब ये ट्रक आ रहा है, इस पॉइंट पर आपने यहाँ से गाड़ी नहीं निकालनी, इस ट्रक को जाने देना है। और अगर यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं हुई इस लाइन में हो तो कोई मसला नहीं उसका, इस लाइन में अगर कोई गाड़ी नहीं हुई तो आपने देखते हुए एरो आपका लगा होगा, इशारा लगा, और आपने यहाँ से निकल जाना है। जैसे ही आप निकलेंगे तो थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर इन्होंने नया बनाया हुआ जो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक दूसरे मैप में आपको नज़र आए, ये देखें। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं ये स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, इस व्यू में स्पीड ब्रेकर नजर आ रहा है, ठीक है। पीछे से हम यहां से निकले हैं तो यहां पर आके स्पीड ब्रेकर, जैसे ही आपने स्पीड ब्रेकर क्रॉस करना है, जैसे ही स्पीड ब्रेकर क्रॉस करेंगे तो अब आपको दूसरे व्यू में लेके चलता हूं मैं, ठीक है। जैसे ही आप स्पीड ब्रेकर क्रॉस करेंगे तो आपने क्या करना है, अपना लेफ्ट इंडिकेटर लगा देना है ये लाइन, और आपकी स्पीड जो है वो 60 के करीब होनी चाहिए, 60-65 के करीब होनी चाहिए, ठीक है। ये 60 का रोड है, 55-60 के करीब होनी चाहिए। और अब आपकी क्या है कि आपने स्पीड को मेंटेन रखते हुए हल्की, अभी आपने एक तो लेफ्ट इंडिकेटर लगा दिया, दूसरा आपने लेफ्ट चेक करना है क्योंकि हमने यहाँ से लाइन चेंज करनी है, लाइन चेंज करके इस लाइन में आना, हमने लेफ्ट चेक किया, फिर आपने मिरर देखना है पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। अगर गाड़ी नहीं आ रही तो आपने उसी वक्त लाइन चेंज नहीं करनी, थोड़ा सा लंबा ले जाते हुए गाड़ी को टेढ़ा करके आपने सड़क क्रॉस करनी है, यानी सड़क क्रॉस कह रहा हूँ, लाइन क्रॉस करनी है, साथ साथ चलते जाना है 60-65 की स्पीड पे, और आपने साथ में ये लाइन चेंज कर लेनी है। जैसे ही आप लाइन चेंज करेंगे फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपने राइट हैंड चेक करना है, राइट इंडिकेटर लगाना है, और मिरर में राइट देखकर फिर आहिस्ता आहिस्ता मिरर को देखते हुए उसी वक्त नहीं टर्न मार देना, आपने गाड़ी चलाते भी जाना है और थोड़ा सा लंबा खींच के आपने राइट साइड पे आ जाना है, और आपका राइट इंडिकेटर चलता रहना चाहिए क्योंकि आगे फौरन बाद हमने राइट को मुड़ना है। यहाँ से हमने राइट मुड़ना है, लेकिन आपको यहाँ पर गोल धवर नहीं नज़र आएगा, ये पुराना मैप है इसका, यहाँ पर अब इन्होंने धवर ख़त्म कर दिया हुआ है। मैं आपको दूसरे व्यू में दिखाता हूँ शायद वो अपडेटेड, ये देखो यहाँ पर धवर अब नहीं है, जो इसका टॉप से व्यू है वो थोड़ा सा उन्होंने अपडेट कर दिया हुआ है, लेकिन जो सड़क का व्यू है वो अभी तक अपडेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आपको धवर नहीं मिलेगा, यहाँ से आपने राइट को टर्न करना वही राइट इंडिकेटर की मदद से, और आपने थोड़ा सा टिल्ट करते हुए तो अंदर को जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आऊँगा तो आपको धवर नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी आपको वैसे धवर नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ से जब अंदर को एंटर होना है तो सेम यहाँ पर आपको डबल रोड नज़र आएगा, आपने ऊपर वाली लाइन में होना है। सो ठीक है, पहले आप नीचे वाली लाइन से होंगे, साथ ही आपने लेफ्ट इंडिकेटर यहाँ पर लगा कर जाके, थोड़ा सा मैं आपको इस व्यू में दिखाता हूँ, आपने इधर से जब एंटर होंगे, एंटर होते सार आपने लेफ्ट इंडिकेटर लगाना है, लेफ्ट हेड चेक करना है, और आपने लाइन चेंज करके ये देख रहे हैं, ये यहाँ से आके यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, यहाँ पे आके देखो सड़क मोटी हो रही है, ये पतली सड़क आगे मोटी हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक ही लाइन थी, यहाँ पर आके ये लाइन डबल हो रही है। तो आपने यहाँ से इस लाइन में जब जाना है तो लेफ्ट इंडिकेटर लगा के लेफ्ट चेक करके आपने इस लाइन में हो जाना है, ऊपर वाली लाइन में, ठीक है, रोड के साथ वाली लाइन में आपने हो जाना है। अब आप जब इस रोड पर आएंगे तो आपने इसी लाइन में सिंपल नॉर्मल तरीके से चलता जाना है, और यहाँ से भी आके ये फिर गिव अवे लाइन आ जाएगी, वही दवर वाला रूल आपने इस्तेमाल करना है, लेफ्ट इंडिकेटर लगाना है, ये देखो ये गाड़ी यहाँ पर है, इसका मतलब आप ये रोड नहीं क्रॉस करोगे। अगर ये यहाँ तक गाड़ी हो, ये वाली गाड़ी, और ये अगर ये गाड़ी नहीं होती और ये गाड़ी यहाँ पर होती तो आप निकल सकते थे, लेकिन अब ये गाड़ी यहाँ पर है सो आपका निकलना आपको नहीं चाहिए, आपने इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आपको ये गाड़ी नज़र नहीं आ रही, ये गाड़ी यहाँ पर है, और अगर आप रुक गए हैं तो भी आप फेल हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा करीब ना हो तो आपने रुकना लाजमी, यानी कि बहुत ज़्यादा करीब हो तो रुकना लाजमी है, बहुत ज़्यादा करीब ना हो तो रुकना नहीं है, जस्ट देखना है और निकलना है यहाँ से।
सेम यहाँ से भी हमने वही इसी लाइन में रहना है, इस लाइन में रहते हुए 20-25 की स्पीड राइट चेक रेड राइट हैंड चेक करना है, 20-25 की स्पीड यहाँ पे आके आपने राइट इंडिकेटर लगाकर राइट हैंड चेक करना है, और यहाँ पर सेम उसी तरीके से आपने एरो को देखते हुए, सॉरी ये मैं ज़्यादा आगे आ गया हूँ आई थिंक, ये रोड पे, ठीक है ना, इस रोड पे हमने यहाँ से अंदर आए तो ये पहले एरो से हमने राइट हैंड चेक करना है, अगले एरो से अगर तो बाय पीछे कोई गाड़ी नहीं है तो निकल जाना स्पीड के साथ, ठीक है। और यहाँ से निकलने के बाद हमने सीधा चलते जाना है, और ये रोड को भी हमने इजीली, ये आपका लेफ्ट हैंड चेक करना है, जहाँ जहाँ पे सड़क है कि यहाँ पे आपने राइट हैंड चेक करना है। यहाँ पे कोई गाड़ी आती है तो आपने ब्रेक नहीं लगानी, ये आपका आपको अलाउ नहीं है यहाँ पे ब्रेक लगानी, उसने ब्रेक लगानी जो सड़क पे है। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करना है, स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करके अब ये 40-45 की स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए ना इससे ज़्यादा, और यहाँ से हमने राइट को निकलना है। जब आप यहाँ से राइट को राइट का इंडिकेटर लगाएंगे, यहाँ पर भी आपने 20-25 की स्पीड पर मोड़ काट लेना है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, और आगे आकर आपने हमने मुड़ना है यहाँ से इस साइड को, ठीक है। मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ से अंदर आए हैं, ठीक है, यहाँ से हम अंदर आए हैं, यहाँ से अंदर आने के बाद हमने इस साइड को मोड़ काटना है, तो मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाकर यहाँ पे दिखाता हूँ। ये येलो लाइन जैसी स्टार्ट हुई, आपने जैसी ये लाइन स्टार्ट होगी आपने अपनी बाइक यहाँ पर, पहले आपकी बाइक यहाँ पे मिड में होगी, आपने लेफ्ट इंडिकेटर लगा के इस लाइन के करीब आ जाना है। जब आप इस लाइन के करीब आएंगे तो 2014 का अपडेटेड है ये, अब ये देखो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है 2014, तो 2014 का ये मैप है, तो इतना पुराना तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ से अब हमने वही काम करना, अगर गाड़ी आगे से आ रही है स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके तो हमने यहाँ पे रुक जाना है, नहीं तो नहीं रुकना, और हल्की स्पीड के अंदर मोड़ काट देना है, और मोड़ काटने के लिए आपने ये येलो लाइन के ऊपर से नहीं क्रॉस करना, आपने बिल्कुल मिड में से क्रॉस करते हुए इस सड़क पर आपने आ जाना है। इस सड़क पर आकर आपने ये सीधा जाना है, अगेन सीधा यहाँ पे राइट हैंड चेक करना है, राइट हैंड चेक करके यहाँ पर आना है, यहाँ पे राइट इंडिकेटर लगाना है, आपने राइट इंडिकेटर लगा के हल्की स्पीड पे आपने मोड़ काटना है, मोड़ काट के सीधा 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 चलते जाना है। यहाँ पर बस हम अब एंडिंग पॉइंट पर आ चले हैं, और यहाँ पर आकर ये राइट इंडिकेटर लगा कर यहाँ से आपने अंदर पार्किंग में आ जाना है, ठीक है। पार्किंग में मुझे ये अलाउ नहीं करेगा अंदर जाने के लिए ये मैप, और आपने यहाँ पर नहीं, हम आप चल रहे यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते जाना है, यहाँ पर जाओगे तो ये देखो यहाँ पर एक स्टॉप का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर आपकी बाइक जा रही है, ये आपको एक येलो वाइट लाइन, प्रॉपर वाइट लाइन यानी स्टॉप की लाइन है, यहाँ पर आके आपने रुकना है लाजमी, यहाँ पर आके आपने लाजमी रुकना है, रुक कर आपने लेफ्ट हैंड चेक करना है, और उसके बाद आपने यहाँ से अंदर को ये थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, यहाँ से आपने निकलना है, और यहाँ पर आके आपने ब्रेक लगा देनी है, ये आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से ही हम निकले थे, यहाँ पर ही आके हमने अपना टेस्ट ख़त्म कर देना है। तो ये था हमारे दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समय लगी होगी, जितना मुझसे हो सका मैंने आपको बताया है कहाँ पर हैंड चेक, अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो माजरत उसके लिए, और ये चीज़ों को अगर आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। गूगल मैप को खोलें, इसी तरीके से आप फॉलो करें ताकि रास्ता तो कम से कम याद करें ना। तो मैं आपको एक ऊपर से टॉप व्यू भी दिखा देता हूँ इसका, कि हमने कैसे जाना है। ये देखो यहाँ से हमने निकले, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ से हम निकले, ये हमने गए यहाँ से हमने टर्न लिया, टर्न लेने के बाद सीधा गए, हमने आगे जाके एक दफ़ा फिर टर्न लेना है, ये सीधा गए, यहाँ से आके हमने टर्न लिया, टर्न लेने के बाद ये आगे गए, और यहाँ से आके हमने लेफ्ट बाहर निकल के ये राइट को हम गए, यहाँ पे हम चलते चलते यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पर आ गया हमारा गोल दवर से हमने क्या किया, राउंड मारकर यहाँ पर गए, इस रोड पर हम गए, ये रोड आगे जाते 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 हमने ये आगे आया, यहाँ से हमने ये क्रॉस कर देनी है, ये रोड राइट को टर्न मारना है, यहाँ से टर्न मार के ये हम, ये अभी 40-45 का रोड है, ये है हमारा मेन रोड 60-70 का, यहाँ पर आ गए, यहाँ से हमने दोबारा वापस को गए राइट टर्न मार के, तो ये चलते 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 हमने आ जाना है यहाँ पर, यहाँ से हमने लेफ्ट अंदर को आना है, अंदर आकर तो ये हम अंदर आ गए हैं, लेफ्ट अंदर आके तो हमने ये दवर से दोबारा यहाँ से टर्न मारा, तो हमने इस रोड पर आ गए, इस रोड पर आने के बाद हम
यहाँ से भी आगे गए, आगे 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 आगे, और यहाँ से हमने अंतर मूर्ते सार यहाँ से फिर अंदर गए, ये इस रोड पर आ गए। इस रोड पर आने के बाद हम यहाँ से टर्न लिया, टर्न लेकर फिर अंदर आगे आए। यहाँ से आप पार्किंग वाले एरिया में गए, पार्किंग वाले एरिया से होकर यहाँ पे हमने दोबारा स्टॉप कर लिया। तो ये है हमारा रूट जिसको मैंने ज़बानी याद कर लिया हुआ है, और अब मुझे ये रूट तो नहीं भूलेगा। हाँ अलबत्ता मेरा टेस्ट ज़रूर है 3-4 दिन के बाद, और दुआ करो मेरे लिए कि मैं टेस्ट में पहली बार में पास हो जाऊँ। अगर तो दोस्तों मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, गुड बाय।